नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपका कुंभ राशि वाले जातकों का राशिफल दिनांक 26 जनवरी से 1 फरवरी 2020 का। ये जो सप्ताह है वो आपके लिए कैसा रहेगा, तो हम प्रत्येक दिन के हिसाब से यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये जो राशिफल है आपके चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, तो आपको राशिफल जरूर देखना चाहिए और विशेषकर साप्ताहिक और जो मंथली प्रेडिक्शन है वो आपको जरूर ही देखनी चाहिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो घटनाएं हैं आपके जीवन में उनका एक आइडिया लग सके और उनके अनुसार आप अपनी लाइफ को आगे चला सकें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा दिनांक 26 जनवरी को आपके राशि स्थान में ही रहेंगे। राशि स्थान में रहने से आपको एक तो बहुत इमोशनल बना देंगे। 26, 27, 28 ये 3 दिन आप थोड़ा सा भावुक रहेंगे, तो अपने इमोशनलिटी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ आपकी जो रिश्ते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भावुकता झलकेगी और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लेकर भी, अपने जीवन साथी को लेकर भी, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूर आवश्यकता रहेगी। किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात को आप दिल पे ना लें तो बहुत अच्छा इन 3 दिनों में आपके लिए रहेगा। इसके साथ ही आप अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपने जो विचार हैं यानी विचार आप बहुत जल्दी बदलेंगे नहीं, थोड़े स्थिर विचार आपके रहेंगे। जो डिसीजन आप एक बार में लेंगे उसको बहुत जल्दी चेंज नहीं करेंगे। इस समय में आपको किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है और इस समय में आपको जो 3 दिन है उसमें कोई भी व्यक्ति मिले उनके साथ आप बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे और आपका जो संबंध है सभी से बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करेंगे, मैरिड लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं आप जीवन साथी के प्रति भी बहुत ज़्यादा वफादार इस समय में रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, दिनांक 26 जनवरी से 28 जनवरी तक। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति आपके सेकेंड हाउस में हो जाएगी, जहाँ पर चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में यहाँ पर चंद्रमा आपको परिवार के साथ एक लगाव फील कराएंगे, आप अपने परिवार पर फोकस करेंगे, आप अपने परिवार के लिए पैसा भी खर्च करेंगे, हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए परिवार के लिए आप धन खर्च करेंगे और परिवार का भी आपको पूरा पूरा सहयोग यहाँ पर मिलेगा। आपकी वाणी काफ़ी मधुर होगी, साथ ही परिवार के साथ लगाव आपका रहने से घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, सभी आप जो परिवार के सदस्य हैं वो इसको एंजॉय अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके बाद हम अगर बात करें तो 31 जनवरी और 1 फरवरी की जो अंतिम 2 दिन है इस सप्ताह में, उन दिनों में आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा की स्थिति होने से आपको भाई बहनों के साथ के जो संबंध है वो सुधारने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम चल रही थी इन संबंधों में, तो अब आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। साथ ही पड़ोसियों के साथ आपका किसी प्रकार का अगर विवाद था तो वो आपका दूर हो जाएगा। इस समय में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कहीं छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है जो आपको काफी लाभ देगी। भाग्य का लाभ इस समय में आपको मिलेगा 31 जनवरी और 1 फरवरी को, जिससे आप अपने फ्यूचर के जो भी काम हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और भाग्य का सपोर्ट ही हर किसी को चाहिए होता है किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए, जो आपको जरूर मिलेगा। तो राशिफल के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, हम इसी प्रकार के वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।